नवनीत राणा को धमकाने का मुद्दा आज लोकसभा में फिर उठेगा और इस मसले पर आप देखिएगा लोकसभा के भीतर हंगामा होने के भी आसार है। महाराष्ट्र के बाद अब असम की राजनीति की बात कर लेते हैं। असम में आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सुबह 10 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुवाहाटी के होटल ताज विवांता में बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। इस दौरान असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल और असम सरकार में मंत्री हेमंत विश्व शर्मा भी मौजूद होंगे। वहीं सीएम योगी भी आज असम के दौरे पर हैं। योगी यहां 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली जयपुर देव, दूसरी उधार बांट और तीसरी रैली बोरखोला में होने वाली है। लेकिन आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र का पिटारा खोलेगी। सरकार 5 साल से वहां चल रही है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी के नए घोषणा पत्र में क्या क्या नए वायदे होंगे। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा सीधे ग्राउंड जीरो जोरहाट से जुड़ गई हैं। प्रतिमा, कौन कौन से वायदे हैं जो बीजेपी आज घोषणा पत्र में करने जा रही है? गुड मॉर्निंग विकास, सबसे पहले तो आपको और आपको बता दूं कि असम में कई सारे मुद्दे हैं जिस पर इस बार चुनाव लड़े जा रहे हैं, लेकिन खुलकर उन मुद्दों की चर्चा नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर असम जल उठा था वो है CANRC का मुद्दा। उसको क्या खास तौर पर बीजेपी अपने विजन डॉक्यूमेंट में उसकी चर्चा करती है ना, इस पर सबकी नज़र बनेगी। क्योंकि बीजेपी से जब आप अंदर खाने में किसी नेता से बात करेंगे वो कहते नहीं, उसका यहाँ पर कोई असर नहीं होने वाला है। लोगों को समझ में आ गया है कि सिर्फ कांग्रेस से भ्रम फैलाने की यहाँ पर कोशिश की थी, लेकिन लोग बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि इस मुद्दे का कोई असर नहीं है। दूसरा, चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे हर बार चुनाव इलेक्शन में आते ही एड्रेस किया जाता है, लेकिन उस पर कोई काम होता नहीं होता है, ये देखने वाली बात होती है। बीजेपी ने पिछली बार 2016 में 351 रुपए मजदूरी करने की बात की थी। मजदूर लगातार कह रहे हैं कि वो सिर्फ अभी 167 रुपए है। कांग्रेस उसको भुनाने की कोशिश करते हुए अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम इसको 365 रुपए कर देंगे, वो भी सरकार बनने के 6 घंटे के भीतर। तो क्या इसको लेकर खासतौर पर बीजेपी अपने विजन डॉक्यूमेंट में कुछ कहती है, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो खुलकर कह दिया है कि भाई CA आएगा और NRC पर भी बात हो रही है, लेकिन असम में इस पर अभी तक चुप्पी है। तो तुम्हें 10 बजे का इंतजार करना होगा विकास, स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जो CA NRC का जिन यहां लोगों को परेशान कर रहा है, क्या वो एक बार फिर बाहर आएगा? न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज़।